नमस्कार दोस्तों, जैसा कि गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और इससे संबंधित सभी बीमारियां आज बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में, महिलाओं में, सब में होना शुरुआत हो गई है और गर्मी के साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को लू, तापघात जैसी बीमारियों का आप देखने को मिल सकती है। साथियों, आज हम यहां पर बात करेंगे कि लू तापघात में किस तरह से इनके लक्षण होते हैं, किस तरह से हम इनसे बचाव कर सकते हैं, इनका घरेलू उपचार क्या हो सकता है और हम इनका चिकित्सकीय सलाह की कब आवश्यकता हो सकती है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता आपका स्वागत करता हूं, रूमटा हॉस्पिटल सीनियर कंसल्टेंट एंड पीडियाट्रिशियन नियोनेटोलॉजिस्ट आपका स्वागत करता हूं। साथियों, लू तापघात यह बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इसमें प्रारंभिक लक्षण जो होते हैं उसमें हम देख सकते हैं बच्चे को एकदम से तेज बुखार आएगा, साथ ही बच्चे का जी मिचला सकता है, बच्चे के सर में दर्द हो सकता है, बच्चे को नौजिया हो सकता है, उल्टी हो सकती है, बच्चे की तेज सांसें चल सकती है और उसके साथ बच्चे को एकदम से मसल में दर्द, जी अकड़ना, या फिर हम देखें कि बच्चे को पानी की कमी, इस सब की वजह से हो सकती है। ये सारे प्रारंभिक लक्षण है जिसमें आपको लगता है कि बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, कोई बुखार आ रहा है या फिर बच्चे को ऐंठन हो रही है मसल्स में, या ऐसा लग रहा है कि बच्चे का सिर दुख रहा है, जी मिचला रहा है, तो हमें मान के चलना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गर्मी का वो प्रभाव उस पर आ चुका है। ये सिर्फ प्रारंभिक लक्षण है। इसके साथ साथ ही बच्चे में हानिकारक लक्षण भी हो सकते हैं और वो क्या हो सकते हैं कि बच्चे को इन सब के साथ साथ ही हो सकता है कि दौरे आ जाएं, दौरे आने के साथ साथ बच्चे को बेहोशी हो जाए, बेहोशी के साथ साथ बच्चा कोमा में भी जा सकता है और इसकी वजह से कई बार ये देखा गया है कि कुछ बच्चों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है। तो साथियों, ये सारे लक्षण आपको अगर कहीं से भी थोड़ा बहुत भी नजर आते हैं इस गर्मी के मौसम में तो आपको बहुत ध्यान देना है। सबसे पहले तो हमें गर्मी से बचना किस तरह से है, इन ऐसी बीमारी नहीं हो उससे बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है गर्मी से ही बचना चाहिए। गर्मी से बचने के लिए जब तक जरूरत ना हो बच्चों को बाहर ना भेजें। बच्चों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनको ढीले कपड़े पहना कर रखें, बच्चों को हाइड्रेट रखें, समय समय पर बार बार पानी और लिक्विड पिलाते रहें, उनको थोड़ा सा एनवायरमेंट को कूल रखें, और लेकिन यदि बाहर लेकर जाना ही है, जरूरत है बाहर ले जाने की, तो बच्चों के सिर को ढक कर ले जाएं, छाता यूज में ले, हो सके अगर आप गाड़ी के अंदर जा रहे हैं तो गाड़ी में एसी का उपयोग करें। और किसी भी कंडीशन में मैं आपको एक बहुत विशेष बात बताना चाहूंगा, कुछ लोग बच्चों को गाड़ी के अंदर छोड़कर अपनी खरीदारी करने लग जाते हैं तो 10 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी का टेम्परेचर 20 डिग्री फॉरेनहाइट बढ़ सकता है अगर गाड़ी धूप में खड़ी हुई है, और ये बच्चे की जानलेवा साबित हो सकती है। तो इस चीज का बिल्कुल भी लापरवाही ना करें कि बच्चे को गाड़ी के अंदर छोड़ के आप कोई भी खरीदारी करें। साथियों, आपको हर हाल में ये ध्यान देना है कि सनस्क्रीन वगैरह का यूज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत आप घरेलू उपचार साथ में ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको बच्चे को बार बार पानी पिलाना है, कच्चे आम का पेय दे सकते हैं जिसे कि अपन पना कहते हैं, नारियल पानी पिलाइए घर पर, उसको सूप पिलाइए, जूस पिलाइए और ठंडी चीजों को दीजिए। आपको लगता है कि आप छाछ दे सकते हैं तो बच्चे को छाछ दीजिए, बच्चे को जूस दे सकते हैं जूस दीजिए, आप प्याज का रस पिला सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको लगता है कि बच्चे को अपन किस तरह से अपन बचा सकते हैं, तो आपने बचाने की पूरी प्रक्रिया की कि भाई अपन को लू तापघात से बचा के रखें बच्चों को, लेकिन किसी भी कारणवश आपको अगर लू तापघात के थोड़े से भी लक्षण दिखते हैं तो आप सबसे पहले घरेलू उपचार की तरफ ही जाइए। अगर बहुत एक्सटेंसिव लक्षण नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है, बच्चे को बार बार पानी पिलाएं, बच्चे को नारियल का पानी या पना पिलाएं, साथ ही हो सकता है तो आप ऐसे कीजिए कि नींबू की सिकंजी पिलाएं, छाछ पिलाएं, मैक्सिमम लिक्विड जितना बच्चे को हो सकता है उतना पिलाने की कोशिश करें। साथ ही साथ बच्चे को नॉर्मल पानी से भी नहला सकते हैं और जरूरत पड़ती है तो कभी कभी डॉक्टर सलाह से हम बच्चे को पानी के अंदर डुबकी भी लगवा सकते हैं, लेकिन ये आप घर पर डुबकी लगाने का कार्य नहीं करें। साथ ही आप बच्चे के पैरों पे, हाथों पे प्याज के रस की मालिश कर सकते हैं, चंदन, हल्दी और ठंडी इन चीजों के लेप को भी बताया गया है कि हम इनको भी कर सकते हैं, लेकिन लगता है
कि कहीं पर भी बच्चे को इन सब के बाद भी फायदा नहीं आ रहा है, बच्चे का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बच्चे को उल्टियां लगातार हो रही है, या बच्चे को चिड़चिड़ापन हो रहा है, बच्चे को तकलीफ हो रही है, तो हमें देर नहीं करते हुए पास के नजदीकी अस्पताल में आपको डॉक्टरी सलाह लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको अगर लगता है कि आप रूंगटा हॉस्पिटल में आ सकते हैं, तो रूंगटा हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक टीम इस चीज के लिए आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार है और पूरी टीम 24 घंटे यहां पर आपके लिए तैयार है। आप इसका फायदा उठाइए और कोई भी दिक्कत हो तो निश्चित रूप से आप पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट रूंगटा हॉस्पिटल से संपर्क कीजिए। धन्यवाद।